खबर जनपद चमोली के विकास खंड देवाल की है, जहां मां और बेटे का शव नदी से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि रामपुर हरमल गांव निवासी हिमा देवी और उनका बेटा प्रवीण अपिंड्रा नदी पर बने लकड़ी के कच्चे पुल को पार करते हुए पैर फिसलने से नदी में बह गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने राजस्व उपनिरीक्षक प्रमोद नेगी को दी। वहीं राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां दोनों का शव बरामद हुआ। टीम ने दोनों शवों को परिजनों को सौंपा। बताया जा रहा है कि यह हादसा लकड़ी के कच्चे पुल पर पैर फिसलने की वजह से हुआ था, जिसके चलते ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पूरे मामले को लेकर देवाल निवासी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महावीर सिंह विश्व ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में सहायता दिए जाने की सरकार से मांग की है। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। दो दिसंबर को पिंडर नदी में हरमल गांव के पास तोरती के मां बेटे की बह जाने से नदी में डूब जाने से जो अकाल मृत्यु हुई है, बहुत दुखद और चिंताजनक विषय है। यहां पर वर्ष 2013 की आपदा में झूला पुल बह जाने के कारण ये घटना हुई है। आज तक आपदा के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण, जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण यहाँ पर झूला पुल का निर्माण नहीं हो पाया।